हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्यूस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करें उससे पहले वही बात आपसे फिर दोहराऊंगा, बोर मत होना इस बात से भी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने को मिलती है, जहां पर आपको समझाने के साथ साथ नोट्स भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो काफी अच्छी और काफी ज्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, एक छोटे से स्तर से, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से। मेहनत के मामले में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमें प्रोत्साहन प्रदान कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था परागण। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। अब कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे कि स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं। स्वपरागण के लिए पादपों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं, इस बात पर हम डिस्कस कर रहे थे और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम कल की क्लास को। तो आपने पढ़ लिया था कि यार तीन अनुकूलन मोस्टली है। देखो, रिवाइज करा करो, नया टॉपिक शुरू करें, नया टॉपिक प्रारंभ करें, उससे पहले पुराना टॉपिक रिवाइज किया जाना चाहिए, ताकि हम एक याद हो जाए कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन था मन में दोहराइए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अनुकूलन था उभयलिंगिता। उभयलिंगिता का तात्पर्य क्या है कि जब नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में हो, या नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित हो, तो इस स्थिति को उभयलिंगिता कहते हैं। और इस स्थिति में परागण कौन सा होगा? स्वपरागण की संभावना बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, किसकी? स्वपरागण की संभावना बढ़ जाएगी। और इसका आइडियल एग्जाम्पल हमने लिखा था मटर, याद है आपको तो, है ना, मटर। इसके बाद स्वपरागण में दूसरा अनुकूलन है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, लंबा चैप्टर है, क्योंकि यहां से छोटे अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न भी आते हैं और बड़ा निबंधात्मक टाइप के प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर ये है आपका, यहां से दो या तीन प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो इस चैप्टर से अगर आप ऐसा सोच रहे कि यार बोर हो गए हैं, काफी लंबा चल रहा है, तो लंबा चल रहा है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से प्रश्न भी तो ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं तो फिर लंबा चलना ही है इसको। आगे ना बात समझ में? अभी तो देखो हम परागण पढ़ रहे हैं, परागण में युग्मक ट्रांसफर हो रहा है, अभी तो इसको दो दो पोर्शन इसका और बच रहा है। अभी तो परागण होने के बाद निषेचन होगा, तो निषेचन से जो युग्मनज बनेगा उसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं होगी। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या होगा आपको पता है, युग्मनज के परिवर्तन से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से बीज बनेगा, नए पादप का निर्माण होगा। तो वहां तक अपन को भी चलना है, ठीक है? तो अभी से बोर नहीं होना है, अभी तो आधा सफर तय किया है इस चैप्टर में, आधा सफर तय करना बाकी है। चलिए तो फिर इधर आ जाते हैं। दूसरा अनुकूलन आपको ध्यान आ रहा होगा, क्या था दूसरा अनुकूलन बताएं जरा कमेंट करके, दूसरा अनुकूलन क्या था स्टूडेंट्स? तो दूसरा अनुकूलन हमने पढ़ा था समकाल पक्वता, यानी जब स्त्री केसर और पुंकेसर एक साथ पकते हैं, समकाल पक्वता, एक साथ परिपक्व होते हैं, तो उस स्थिति में भी स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? और इसके लिए मिराबिलिस जलापा हमने पढ़ा था उदाहरण, 4 बजे का पादप, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आएगी आपको और बहुत याद भी आएगी आपको कि वाह यार हमें पता है, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें भी, और निश्चित तौर पर पता रहेगी क्योंकि मैं आपको बार बार बोल बोल करके याद करवा दूंगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा था अनुन्मिल्यता। क्या पढ़ा था? अनुन्मिल्यता। अनुन्मिल्यता में क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि ये ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, ये ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, तो स्वाभाविक बात है फिर इनमें तो स्वपरागण ही होना है, इनमें तो स्वपरागण ही होना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। क्या क्या एग्जाम्पल थे? देखिए, दोहराना, वायोला था, है ना, एक कौन सा था, एक था कनकोवा, अच्छे से रट लेना इसको, एक कौन सा था, मूंगफली, और एक कौन सा था, ऑक्सेलिस, ऑक्सेलिस, है ना। तो इस प्रकार से आपने ये तो पढ़ा था
स्वपरागण के लिए अनुकूलन। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं परपरागण को। परपरागण के लिए अनुकूलन कौन कौन से थे देखें, तो परपरागण के लिए अनुकूलन में सबसे पहला अनुकूलन था स्टूडेंट स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या था? स्वबंध्यता। स्वबंध्यता में हमने क्या पढ़ा था कि जननसम परागकण, परागकण भी जननसम है और जिस वर्तिकाग्र पर वो पहुंच रहा है, जिस स्त्री केसर पर वो पहुंच रहा है उसमें भी अंडकोशिका बन चुकी है, ये भी जननसम है यानी जनन करने योग्य है, परिपक्व हो चुकी है। जो परागकण यहां पर आया है वो भी परिपक्व हो चुका है, ध्यान दें, है ना, ये भी परिपक्व हो चुका है यानी कि ये भी क्या है, ये भी जननसम है। अब होता क्या है कि अगर ये सेम पुष्प के पराग कोष से निकल करके आया है तो कुछ पादपों में ऐसा, कुछ पुष्पों में ऐसी विशेषता होती है कि वर्तिकाग्र इसको जो पोषण दे रही थी ना वो पोषण नहीं देगी, वो पोषण नहीं देगी तो इसको पोषण नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये परागकण यहाँ पर अंकुरण नहीं होगा। परागकण का अंकुरण आप समझ कर आए हैं, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, जनन कोशिका फिर विभाजन करेगी, पराग नलिका निकल जाएगी, वो सारी घटना यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पर किसी दूसरे पादप का, इसी जाति के किसी दूसरे पादप का परागकण आ जाए तो वर्तिकाग्र उसे पोषण देगी और ये अंकुरित हो जाएगा और जनन की प्रक्रिया या निषेचन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जो दूसरे पादप का परागकण आ रहा है वो तो यहां पर आकर अंकुरित हो रहा है, लेकिन स्वयं इसी पुष्प का परागकण आ रहा है तो वो अंकुरित नहीं हो रहा है, यानी स्वयं के प्रति क्या है, बंध्यता है, है ना। तो इस प्रकार का जो अनुकूलन है उसको क्या कहते हैं, स्वबंध्यता कहते हैं। और यदि किसी पादप या पुष्प में स्वबंध्यता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें किसके लिए अनुकूलन बन जाता है, पर परागण के लिए अनुकूलन बन जाता है। तो ऐसे पादपों में क्या होगी, हमेशा ऐसे पादपों में हमेशा पर परागण ही होगा। आगे बात करें एकलिंगिता पर, ज्यादा विशेष कोई बात करनी नहीं है कि यदि किसी पादप पर सारे ही पुष्प एकलिंगी हो, यानी कि या तो नर पुष्प हो या मादा पुष्प हो, तो इसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं और इसमें कभी भी स्वपरागण नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होगा, हमेशा स्वपरागण नहीं हो पाएगा, क्या होगा, पर परागण होगा। जिसका उदाहरण, आइडियल एग्जांपल हमने पढ़ा था खजूर व पपीता, खजूर व पपीता, क्योंकि इसमें सारे पुष्प क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ध्यान आ रहा है, जैसे यहां समकाल पक्वता पढ़ा था हमने, वहां क्या पढ़ा था, हमने वहां पढ़ा था भिन्न काल पक्वता। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, भिन्न काल पक्वता, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर केसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिसके कारण उसी पुंकेसर से या परागकोष से जो परागकण निकला है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, लेकिन वर्तिका तो परिपक्व ही नहीं हुई है तो स्वपरागण नहीं होगा, यहां पर भी क्या होगा, पर परागण। तो ऐसे कुछ अनुकूलन थे। दो अनुकूलन और इंपॉर्टेंट आपने यहां पढ़े थे, एक हर्कोगेमी। हर्कोगेमी की परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है कि हर्कोगेमी क्या है, तो इसको आप ध्यान रखना, मैंने कल भी बता दिया था, वैसे आपको कोई विशेष बात तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए स्त्री केसर है और ये कोई पुंकेसर है जहां परागकण बनेंगे, लेकिन इसके बीच में मान लीजिए जो इसके पुष्प के दल है, रंगीन पंखुड़ियां हैं, वो इस प्रकार से इकट्ठी हो गई और एक कवर्ड कर लिया स्त्री केसर को, स्त्री केसर को कवर्ड कर लिया, कोई भी संरचना ने स्त्री केसर को कवर्ड कर लिया, तो इस पुंकेसर के बीच में और इस स्त्री केसर के बीच में क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये संरचनात्मक बाधा आ गई। क्या आ गई, संरचनात्मक बाधा आ गई। तो इस प्रकार की संरचनात्मक बाधा को ही क्या कहा जाता है, हर्कोगेमी कहा जाता है। अगर ऐसा है तो कभी भी स्वपरागण नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पर परागण। और पांचवा अनुकूलन आपने पर परागण में पढ़ा था स्टूडेंट्स, विषम वर्तिकात्व। कोई विशेष बात नहीं थी, विषम वर्तिकात्व के लिए आपने पढ़ा था कि या तो स्त्री केसर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पुंकेसर छोटे रह जाएंगे, या पुंकेसर बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे और स्त्री केसर बिल्कुल छोटा रह जाएगा। दोनों ही कंडीशन को विषम वर्तिकात्व कहा जाता है और दोनों ही कंडीशन में स्वपरागण के चांसेस कम हो जाते हैं, पर परागण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ अनुकूलन होते हैं स्वपरागण और पर परागण में, जिसको हमने वापस शुरुआत के प्रारंभ के 10 मिनट में दोहरा लिया है। आशा करता हूं कि इससे आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, ठीक है।
अब इसको मिटा देते हैं। हाँ, विषम वर्तिकात्व का उदाहरण हमने पढ़ा था, इवनिंग प्रिमरोज के बारे में हमने पढ़ा था, और इवनिंग प्रिमरोज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवनिंग प्रिमरोज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पुष्पन की क्रिया रात में होती है, लगभग 9 o'clock के समथिंग, इसीलिए इसे 9 बजे का पादप भी कहा जाता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी आपको आने वाले समय में, वर्तमान में तो देंगे ही सही, लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा फायदा देने वाले हैं, तो क्यों ना आप इनको अभी से याद करते चले। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर परागण की विधियां, है ना। मैंने कहा था आपसे कि जो पर परागण के अनुकूलन तो हो गए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अब पर परागण में क्या होगा, एक पुष्प के पराग कोष को, जैसे मान लीजिए इधर देखो एक खेत बनाते हैं, पूरा एक गार्डन बनाते हैं, ये लीजिए ये इस पर ये पुष्प आ रहा है ना। चलो नर पुष्प मान लेते हैं इसको, ये नर पुष्प है, कौन सा है ये नर पुष्प है, इस पर तो है नर पुष्प, और यहां पर ये लीजिए एक और पुष्प पादप सॉरी, और इस पर ये आ रहा है मादा पुष्प। तो पर परागण में जनरली क्या होगा कि पराग कण को यहां से निकलकर यहां जाना होगा, यहां से निकलकर यहां जाना होगा। अगर आपको युग्मक स्थानांतरण चैप्टर फर्स्ट का कॉमन कंसेप्ट याद हो तो मैंने कहा था कि आवरत बीजी पादपों में नरयुग्मक यानी पराग कण और अंड कोशिका दोनों ही अगतिशील होते हैं। अगर ये बात आपको याद है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर, आपने चैप्टर फर्स्ट में ही हमको ये बात बता दी थी कि आवरत बीजी पादपों में, पुष्पी पादपों में पराग कण यानी नरयुग्मक और अंड कोशिका यानी मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। अगर ये बात आपको याद है और मैंने आपको बताई है तो कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, बताई थी क्या मैंने ये बात आपको पहले भी, बताई थी क्या? कमेंट बहुत धीरे करते हो रे आप, फटाफट कर दिया करो, है ना, बहुत टाइम लगता है ना, बता दी ना ये बात मैंने। तो यानी कि पराग कण खुद से चलकर तो नहीं जा सकता, ये पराग कण यहां खुद से चलकर तो यहां नहीं जा सकता, इसको कोई ना कोई पहुंचाएगा, चाहे फिर कोई भी पहुंचाए, स्टूडेंट कोई भी पहुंचाए, वायु से उड़कर जाएगा, जलीय पादप है तो जल में तैर कर जाए, कोई कीट आ जाए इस पर बैठे, यहां से मकरंद चूसे और यहां से पराग कण इस पर चिपक जाए, और ये कीट मकरंद चूसने के बाद दूसरे पुष्प पे भी जाकर मकरंद चूसे, क्योंकि कीट को पता है कि अगर यहां से इस रंगीन पंखुड़ी के कारण मैं यहां आया हूं, अगर यहां से रस मिला है तो निश्चित तौर पर ये जो पादप है इसी के जैसा रंगीन पंखुड़ी वाला, यहां से भी थोड़ा बहुत रस मिल जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। तो कीट इस रस की तलाश में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएगा और इस प्रकार पराग कणों को भी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो कीट के द्वारा हो सकता है, कीट के ही जैसे पक्षी के द्वारा हो सकता है, कीट के ही जैसे पक्षी के द्वारा हो सकता है। यानी कि पराग कण को यहां से यहां पहुंचने के लिए किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता होगी, किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता होगी जिसे परागण कर्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परागण कर्ता, यानी परागण की क्रिया करवाने वाला एजेंट क्या कहलाता है? परागण कर्ता। अब वो परागण कर्ता इनमें से कोई भी हो सकता है, बताया ना आपको, वायु, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़ पक्षी नहीं है इसलिए इसकी अलग से श्रेणी बना ली गई है ना, चमगादड़ पक्षी नहीं है। स्टूडेंट्स बताएंगे, अभी आने दो चमगादड़ को, तब इस पर विस्तार से बातें करेंगे। तो किस माध्यम से परपरागण हो रहा है, किस विधि से हो रहा है, इस आधार पर परागण की, परपरागण की अलग अलग विधियां हो जाती है, या इसी को परपरागण के प्रकार के नाम से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, परपरागण की विधियां पूछी जाए या परपरागण के प्रकार पूछे जाएं, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता। विधियां इसलिए कि किस तरीके से हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है, कीट के द्वारा हो रहा है, विधियां हो गई, और जिस तरीके से हो रहा है उसी के आधार पर इसके प्रकार बन जाते हैं। तो आपको विधियां पूछी जाए तो भी यही टॉपिक पर बात करनी है, और प्रकार पूछा जाए
तो भी यही टॉपिक पर बात करनी है। तो ये तो बातें समझ में आपके आ गई। अब मैं इसको हटाता हूं और नोट्स पर आता हूं। आपको क्या समझ में आया कि पर परागण की क्रिया के लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। वो एजेंट जैविक या अजैविक हो सकता है और उस एजेंट के आधार पर ही पर परागण की अलग अलग विधियां होती है। देखिए, पर परागण में पराग कणों के स्थानांतरण हेतु कई जैविक व अजैविक बाह्य साधनों यानी वही एजेंट बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। इन बाह्य साधनों के आधार पर परागण निम्न प्रकार का होता है। मैंने कहा बाह्य साधन जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है, जैसे वायु परागण। तो यहां पर बाह्य साधन कौन है? वायु है। एजेंट का काम कौन कर रहा है? वायु कर रही है। और यह क्या है? अजैविक बाह्य साधन है। ठीक इसी प्रकार से जल भी हो सकता है। तो वायु के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो इसे वायु परागण कहा जाएगा। जल के द्वारा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो जल परागण कहा जाएगा। कीट के द्वारा हो रहा है तो कीट परागण कहा जाएगा। और पक्षी के द्वारा हो रहा है तो पक्षी परागण कहा जाएगा। और लास्ट चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो चमगादड़ परागण कहा जाएगा। चमगादड़ पक्षी नहीं है, नोट डाल करके लिख लो। अगर कोई चमगादड़ को पक्षी समझता है तो नोट डाल करके लिख लो कि चमगादड़ पक्षी नहीं है। हर उड़ने वाला जीव पक्षी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रख लीजिए। चमगादड़ उड़ता जरूर है लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं है। हर उड़ने वाला जीव पक्षी नहीं होता। तितली भी उड़ती है पर क्या तितली पक्षी है? क्या नहीं, वो कीट है। मक्खियां भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ते हैं, क्या वो पक्षी है? क्या नहीं, वो कीट है, इंसेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से चमगादड़ भी उड़ता है लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं है। सर क्या वो इंसेक्ट है? क्या नहीं, वो कीट भी नहीं है। वो क्या है इस पर आगे बात करेंगे, फिलहाल चमगादड़ पक्षी नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वायु परागण, सबसे पहले एक एक करके इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वायु परागण के बारे में। किसके बारे में? वायु परागण के बारे में। परिभाषा में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि जब पराग कणों का स्थानांतरण एक पादप से दूसरे पादप पर, समझाया था आपको, वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। इसका एक आइडल एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मक्का में इस प्रकार का परागण देखने को मिलता है। मक्का में इस प्रकार का परागण देखने को मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए स्टूडेंट्स, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहां से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, यहां से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि वायु परागत परागित पुष्पों में, यानी ऐसे पुष्प जिसमें वायु से परागण होता है, उसमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो वायु परागित पुष्पों में क्या होगा कि पराग कण जो है ना, जैसे मान लीजिए पराग कोष से पराग कण बने और इन पराग कणों को वायु के द्वारा, है ना, वायु के द्वारा कहां पहुंचना है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। तो पहली बात तो यह कि जब वायु चलेगी तो क्या वायु एक सुनिश्चित दिशा में थोड़ी बह रही है कि पराग कण को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचा करके आगे बढ़ जाएगी। वायु तो किधर भी बह सकती ना, इधर भी जा सकती। मान लीजिए पादप इधर और वायु इधर की चल रही है तो पराग कण तो सारे उड़कर इधर चले जाएंगे, है ना, कई नीचे गिर जाएंगे, कई, है ना, पता नहीं अनिश्चित दिशा में जाएंगे, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, क्योंकि वायु है भाई, वायु एक निश्चित दिशा में थोड़ी ना है। बाय चांस कहीं कोई भटकता हुआ पराग कण यहां आ गया तो वो इसको मिल जाएगा, समझ रहे हो आप? यानी पहला अनुकूलन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहला अनुकूलन होगा कि पराग कण जो है, पराग कण अधिक संख्या में बनते हैं। क्या होते हैं? अधिक संख्या में बनते। कभी पूछ लेना, और कई बार पूछा जा चुका है कि वायु परागित पुष्पों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। तो पहला अनुकूलन होगा पराग कण अधिक संख्या में बनते हैं इनमें। दूसरा अनुकूलन क्या होगा कि जो वर्तिका है, वर्तिका है, इसकी लंबाई अधिक होती है। जैसे मक्का में देखा ना आपने, बचपन में मूछें लगाई क्या आपने मक्का की वर्तिकाओं की? है मक्का में जो आता है भुट्टा, तो उसकी जो आपने देखा होगा लंबी लंबी वर्तिकाएं होती है। आपने भी कभी लगाई है अपने दाढ़ी मूछें बनाई है इसकी?
बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बनाई होगी यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं बनाई हो ना। तो वो क्या है, वो वर्तिका ही तो है, वो वर्तिका ही है स्टूडेंट्स। क्या है वो, वर्तिका है। तो मक्का में चूंकि वायु परागण पाया जाता है, इसलिए वर्तिका बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, ताकि आसपास भी कहीं कोई परागकण है तो उसको कैच कर ले। साथ ही इसका वर्तिकाग्र कैसा हो जाता है, साथ ही इसका वर्तिकाग्र ब्रशनुमा होता है, ताकि एक बार परागकण इसमें टच में आ जाए तो फिर वो इसी से चिपक जाए और वापस यहां से हट ना पाए। तो इस प्रकार के कुछ अनुकूलन हो जाते हैं, याद हो गए होंगे आपको। परागकणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, वर्तिका की लंबाई बढ़ जाती है, और जो वर्तिकाग्र है वो ब्रश नुमा और चिपचिपा हो जाता है। तो ये कुछ वायु परागित पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन है स्टूडेंट्स, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, वायु परागण हेतु पुष्पों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला, वायु परागित पुष्पों के परागकण छोटे, हल्के व शुष्क होते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं, ताकि वो वायु में आसानी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। परागकणों का निर्माण अधिक संख्या में होता है, मैंने बताया आपको। मादा पुष्पों की वर्तिकाग्र या वर्तिका लंबी व ब्रुश के समान होती है तथा पुष्प से बाहर निकली हुई होती है। मक्का इसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला विधि, पर परागण की पहली विधि यहां पर संपन्न होती है, वायु परागण। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, दूसरा है जल परागण। जल परागण क्या होता है, नाम से स्पष्ट है ये जल में होगा, नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स ये जल में होगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, जलीय पादप दो प्रकार के होते हैं, जलीय पादप दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स पादप होते हैं जो इस प्रकार से जड़ें कटी फटी जल के अंदर होती है और बाकी कुछ भाग जल के ऊपर होता है, ठीक है ना। कुछ पादप तो ऐसे होते हैं, कुछ पादप तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए पुष्प है, मादा पुष्प, सॉरी तू ज्यादा ही ऊपर बन गया, इसको हटाते हैं भाई, है ना, नहीं तो जल से छलांग मारनी पड़ेगी परागकण को। तो जल की सतह पर पुष्प आते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स, जल की सतह पर पुष्प आते हैं। जैसे नर पुष्प भी कहां है, ये जल की सतह पर है, ये मान लीजिए डार्क कर देता हूं, जल की सतह पर है। और मादा पुष्प भी कहां होता है, जल की सतह पर होता है, ऐसे कर दीजिए इसको, इस पर तैरता रहता है। जैसे कमल वगैरह नहीं देखा, जल की सतह पर तैरता हुआ, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। जबकि कुछ पादप कैसे होते हैं, जो पूरी तरह से स्टूडेंट्स पूरी तरह से क्या होते हैं, जल में डूबे रहते हैं, पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं। इन पादपों को कहा जाता है जल निमग्न पादप। क्या कहा जाता है, जल निमग्न पादप। जबकि इन पादपों को क्या कहा जाता है, ये तो जल की सतह पर तैर रहे हैं, क्या है, जल की सतह पर है ये पादप। तो ये दो प्रकार के पादप है, तो दोनों प्रकार के पादपों में परागण जो है वो जल के द्वारा ही होगा, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। जो जल की सतह पर तैर रहे हैं पादप, उनमें परागकण क्या होगा, जल की सतह पर गिरेगा और जल की सतह पर ही तैरते हुए दूसरा पास स्थित दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, मादा पुष्प तक पहुंच जाएगा। तो ये तो जल की सतह पर हो रहा है, कहां हो रहा है स्टूडेंट्स, जल की सतह पर हो रहा है। तो जल की सतह पर अगर परागण की क्रिया हो तो इसको कहा जाएगा अधि जल परागण। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, अधि जल परागण, ध्यान दे लीजिएगा, अधि जल। अधि मतलब अधि का सामान्य अर्थ, अधि एक उपसर्ग है, हिंदी भी पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा साइंस क्लासेज के साथ। अधि एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर, यानी अधि जल का मतलब क्या हो गया कि जल के ऊपर, यानी परागण हो रहा है, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, एक पादप से दूसरे पादप पर पहुंच रहा है, लेकिन जल की सतह के ऊपर या जल की सतह पर तैरते हुए पहुंच रहा है। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है, अधि जल परागण कहलाता है। और यह देखने को मिलता है नाजास, नाजास है, ध्यान दीजिएगा, गलत ना समझें, नाजास। इसका एक और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ड्रोसेरा, सॉरी 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 वेरी सॉरी, ड्रोसेरा क्या, वो नाम थोड़ा स्लिप हो गया, ड्रोसेरा नहीं भाई, ये तो अलग होता है, वो तो धतूरा कुल में आ जाता है, जोस्टेरा, सॉरी यार, जोस्टेरा, एक सिरेटोफिलम, सिरेटोफिलम
तो इन सब में जल के द्वारा परागण की क्रिया होगी, इसलिए इसको जल परागण कहेंगे। लेकिन जल में भी कहां, जल की सतह पर, उदाहरण नाजास, जोस्टेरा और सिरेटोफिलम। लेकिन कुछ पादप कैसे हैं स्टूडेंट जो पूरी तरह से जल में डूबे हुए हैं, तो फिर पूरी तरह से जब जल में डूबे हुए तो उनका पुष्प भी यहां है जल के अंदर ही, तो इन पादपों में क्या होगा, पराग कण जल के नीचे, जल की सतह के नीचे होता हुआ यानी डूबता हुआ ही दूसरे पादप तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार का परागण जल की सतह के नीचे हो रहा है, नीचे यानी अधो, यह भी एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नीचे, नीचे हो रहा है तो इसको कहा जाएगा अधो जल परागण। क्या कहा जाएगा, अधो जल परागण। और इसका आइडियल एग्जाम्पल है वेलिस नेरिया। क्या है भाई, वेलिस नेरिया, रट लेना अच्छे से, एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक ने एक एग्जाम्पल दे रखा है। वैसे जल निमग्न पादप जितने भी हैं आप जल निमग्न पादपों से ले सकते हैं, हाइड्रीला वगैरह जितने भी है ना, हाइड्रीला भी जल निमग्न पादप है, हाइड्रीला। तो ज्यादा नहीं उलझाऊंगा उदाहरणों में, इंपोर्टेंट उदाहरण चलो हाइड्रीला भी लिख सकते हो आप, दो इंपोर्टेंट उदाहरण बोध है, वेलिस नेरिया और हाइड्रीला आप याद रख सकते हैं। तो दोनों में ही परागण जल की सतह के नीचे होता है, यानी कि कौन सा परागण होता है, अधो जल परागण। और जल परागण ज्यादातर परीक्षा में पूछ लिया जाता है उदाहरण सहित, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। कुछ बातें आपको याद हो गई होगी, कुछ बातें आपको नोट्स लिखने के साथ याद हो जाएगी अगर आप रुचि पूर्वक देख रहे हैं। अगर आप किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मानसिक बीमारी समझ रहे हो ना। ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगी आपके दिमाग में अगर ये कीट घुस चुका है ऑफलाइन क्लासेस वाला, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं मेहनत कर रहा हूं, सीखना और नहीं सीखना आपके हाथ में है, मेरा फिलहाल तो यही कहना है। जब होगी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक आपके पास दो ऑप्शन है। रोज इस वीडियो में मैं एक बात जरूर कहता हूं कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपको बेस्ट भी चाहिए है ना, बेस्ट भी चाहिए और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ऐसा हर बार संभव नहीं होता है स्टूडेंट्स, बेस्ट जब आपको मिलेगा तो वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो फिलहाल या तो बैठे रहिए, या जो हम मेहनत कर रहे हैं इतना परिश्रम कर रहे हैं उसका फायदा उठाते रहिए। जो बच्चे फायदे उठा रहे हैं भाई वो तो बहुत आगे हैं, बात सिर्फ दो चैप्टर की नहीं है, बात एक महीने की स्टडी की हो चुकी है, यानी वो स्टूडेंट अब एक महीना आगे पहुंच चुके हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भटकते रहिए ऑफलाइन क्लासेज की तलाश में। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। जल परागण, जब पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। मन नहीं भटकना चाहिए, मन को स्थिर कर लेना चाहिए। जिस बच्चे का मन स्थिर है ना, जिसने सोच लिया कि भाई यही है जो भी है जो, और यहीं से पढ़ना है, उसको तो बहुत मजा आ रहा है। कई बच्चे उल्टे दिमाग के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ये ऑनलाइन ही चलने दीजिए, मजा आ रहा है, बहुत शानदार समझ में आ रहा है और बहुत आराम से काम हो रहा है हमारा तो। और कुछ ऐसा जिसने मेंटेलिटी सेट कर लिए कि भाई हमें ऑनलाइन समझ में ही नहीं आएगा, ऑफलाइन में ही समझ में आएगा, तो फिर उस मेंटेलिटी का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैं सॉरी बट आप किसी साइकाइट्रिस्ट से मिल सकते हैं, है ना। मजाक कर रहा हूं, गालियां मत दो, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं भाई। जब पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, दो प्रकार का होता है, बताया था ना, जल की सतह के नीचे हो, अरे बाप रे उल्टा हो गया उदाहरण, उदाहरण उल्टा हो गया यार, है ना। देखते हैं एक बार क्या हुआ है, अधो जल परागण या जलाद परागण भी इसको कहते हैं, और एक होता है अधि जल परागण, जिसको जल की सतह के ऊपर हो रहा है ना, तो जल पृष्ठ परागण भी इसको कह सकते हैं। अधो जल परागण क्या होगा भाई, परिभाषा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब परागण जल की सतह के भीतर होता है तो इसे अधो जल परागण कहते हैं, जल की सतह के भीतर होता है तो इसे अधो जल परागण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अपन ने यहां क्या कर दिया कि थोड़ा एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो गया, बस हेडिंग आते ही समझ आ गया था कि यार उदाहरण गलत बोल दिए। वेलिस नेरिया जो है, वेलिस नेरिया में अधो जल नहीं होगा, वेलिस नेरिया में अधि जल होगा, और वो जो नाजास जोस्टेरा और जो कौन सा बोला था एको ना सिरेटोफिलम, उसमें अधि जल होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इसको क्लियर कर लेते उदाहरण को, ये लीजिए लिख लीजिए, लिखने में कोई गलती नहीं है, बस मैं बोलने में थोड़ी सी त्रुटि कर गया है ना, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा हो जाता है हमारा, हम लोगों का भी, देखो आपके हमेशा ही मैसेज पड़े रहते हैं एक आध बच्चे का, तो
है ना, और मैं मोबाइल भी साथ में लेकर के बैठा हूँ, तो फिर मेरी मेरा ध्यान जब वहां जाता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार कि बच्चे क्लास के लिए तो नहीं पूछ रहे हैं कि कितनी बजे होगी क्या होगी, लेकिन वहां मैसेज खोल करके देखता हूँ, सर आप ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू करोगे, अब मर गए अब तुम्हारे मारे, क्या करूँ बताओ, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान हमारा जो है ना विचलित हो ही जाता है। तो कोई ना, सॉरी गलती तो मेरी है, नहीं होना चाहिए था। अधोजल परागण, अधोजल परागण है ना, उदाहरण क्या आएगा अधोजल परागण में, समझाने का में तो कोई नहीं है, समझाने का तरीका तो मैंने बता ही दिया। अधोजल परागण के एग्जांपल रख लेना आप नाजास, सिरेटोफिलम और जोस्टेरा, ये जल की सतह के नीचे, ये है जल निमग्न पादप, तो ये है जल निमग्न पादप। वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया तो जल की सतह पर तैरता रहता है, तो वो जल निमग्न नहीं है, उसमें होगा अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण। जब जल, जब परागण जल की सतह पर होता है तो इसे अधिजल परागण कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं, ठीक है ना। तो अधिजल परागण जल की सतह पर होगा, इसका उदाहरण लिख लीजिए आप वेलिसनेरिया। हालांकि वेलिसनेरिया के साथ जो मैंने हाइड्रिला लिख दिया था वो तो सही है, बस वेलिसनेरिया थोड़ा गलत हो गया, वेलिसनेरिया अधिजल में आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है क्या। अब एक बात और क्लियर कर लीजिए, अच्छा जो त्रुटि हुई थी थोड़ी सी, जो कंफ्यूजन आ गया था, वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले कमेंट करके बता दो, है ना। जो कंफ्यूजन थोड़ा सा उदाहरणों को लेकर के आ गया था, वो डाउट तो क्लियर है ना आप लोगों का, यस कमेंट करके बताइए फटाफट, वेरी गुड, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दोबारा वीडियो बनाऊं क्या, मजाक कर रहा हूं, तुम कहोगे तब भी नहीं बनाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, सभी जलीय पादप जल परागित नहीं होते हैं। जलीय पादप होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें जल के द्वारा ही परागण होगा। अच्छा ऐसा भी है क्या, हम तो सोच रहे थे कि जल में है मतलब जल परागण होगा, नहीं नहीं, हर बार ऐसा नहीं है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो जल में होते हैं लेकिन उनमें जल परागण नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए, पोटा मोजिटोन, रटना भाई रटना बोल के देखो, पोटा मोजिटोन व मीरियोफिलम, पहले इधर बोलो, पोटा मोजिटोन व मीरियोफिलम, ये जल की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं, तो वायु के द्वारा भी इनमें परागण एक से दूसरे पर पहुंच जाता है, क्योंकि पुष्प थोड़े ऊपर होते हैं जल पे, जल में है लेकिन पुष्प थोड़ा ऊपर होते हैं, मैंने बना दिया था ना एक बार, तो पुष्प थोड़ा ऊपर होते हैं तो वो वायु के द्वारा ही पहुंचते हैं, तो पादप तो जलीय है, पोटा मोजिटोन और मेरियोफिलम पादप तो जलीय है, लेकिन पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा। तो कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि उस जलीय पादप का नाम बताइए, जलीय पादप है, उस जलीय पादप का नाम बताइए जिसमें वायु के द्वारा पर परागण होता है, तो पोटा मोजिटोन और मेरियोफिलम में से आप कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है निम्फिया, ये भी जलीय पादप है, सतह पर पाया जाता है, और निम्फिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कीट के द्वारा परागकण एक से दूसरे पादप पर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से निम्फिया जलीय पादप होते हुए भी कीट परागित होता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि उस जलीय पादप का नाम बताइए जो कीट के द्वारा परागित होता है, तो उसका उदाहरण क्या रहेगा, निम्फिया। तो इन इंपॉर्टेंट नोट को भी आप ध्यान रखना, जलीय पादप है मतलब जल परागण ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पोटा मोजिटोन और मेरियोफिलम जलीय पादप है लेकिन वायु के द्वारा इनमें परागण होता है, और निम्फिया भी एक जलीय पादप है लेकिन कीट के द्वारा इनमें परागण होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कीट परागण बताया था शुरुआत में, समझा दिया था परागण किसके द्वारा होगा, कीट के द्वारा। जैसे जब पराग कणों का स्थानांतरण अनेक प्रकार के कीटों जैसे मधुमक्खियां, पतंगा, तितली, बीटल आदि के द्वारा होता है, तो इसे कीट परागण कहते हैं। कीट परागण की पूरी कहानी आपको याद है स्टूडेंट्स, है ना, कि ये कीट क्या होंगे, सबसे पहले रंगीन पंखुड़ियों को देख करके आकर्षित होंगे, जैसे मान लीजिए तितली आकर्षित हो गई यहां पर आ गई रंगीन पंखुड़ियों को देख करके, रंगीन पंखुड़ियों को देख करके जब ये यहां पर आई तो यहां पर जो मकरंद ग्रंथियां हैं उन मकरंद ग्रंथियों से इसने क्या किया, रस लिया और उड़ी। तो भाई तितली को एक बात समझ में आ गया कि जहां जहां भी ये रंगीन पंखुड़ियां होगी, सुंदर है, सुंदरता से तो हर कोई आकर्षित हो जाता है, तो इन रंगीन पंखुड़ियों से तितली आकर्षित होकर के यहां आ गई। लेकिन इसके ब्रेन में अब एक बात बैठ गई क्या, कि जहां जहां भी ऐसी रंगीन पंखुड़ियां होगी वहां वहां मुझे मकरंद मिलेगा, मकरंद यानी तितली का भोजन एक मीठा रस होता है, क्या होता है, एक मीठा रस होता है, तो यह मिलेगा। तो अब तितली क्या करती है, यहां से वापस उड़ी, तितली यहां से वापस उड़ी, तितली उड़ी और
इसी के पास ऐसा ही कोई रंगीन पुष्प है, वहां पर जाकर बैठ गई। मान लीजिए इस बार यहां आकर बैठ गई तितली, वर्तिकाग्र पर आकर बैठ गई, तो यहां से जब उड़ी थी तो कुछ परागकण इस पर चिपक गए थे, और यहां पर आकर जब बैठी तो परागकण यहां पर छोड़ दिए और रस लेकर के फिर उड़ी, अगले पुष्प पे गई, कुछ परागकण यहां ट्रांसफर कर दिए तितली ने, है ना। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है, पादप तितली को मकरंद के रूप में कुछ लालच दे रहा है, इससे तितली का भी काम हो रहा है, इसको भोजन मिल रहा है, और बदले में पादप भी अपना काम कर रहा है, अपने परागकणों को स्थानांतरण करके जनन की क्रिया को संपन्न करवा रहा है तितली के माध्यम से, किसी भी कीट के माध्यम से। तो इस प्रकार से कीटों में परागण की क्रिया होती है। आ गई बात समझ में। ये जो आप घटना देख रहे हो ना, ये जो आप घटना देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक गीतकार की इस पर नजर पड़ गई अभी 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 वर्तमान में एक गीतकार की इस घटना पर नजर पड़ गई और उसने इस पर एक गीत लिख डाला, अगर आपको याद होगा काफी चला वो गीत, यार मेरा तितलियां वरदा, कभी इस फूल पे कभी इस पर, ये पर परागण। तो देखिए साइंस गीतों का स्त्रोत भी है, गीतों का स्त्रोत भी है, समझ रहे हो ना आप। तो इसी घटना से प्रेरित होकर शायद वो गीत लिखा गया होगा, ध्यान दे लीजिएगा। कीट परागण है, कीट परागण की घटना है, ज्यादा गाने पर ना जाए, हमारे साइंस की भाषा में ये मात्र एक कीट परागण की घटना है, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़ लेते हैं। उदाहरण सरसों, साल्विया, आर्किड्स, इन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है। कीट परागित पादपों, पूछ ले कभी कि कीट परागित पादपों के पुष्प कैसे होते हैं, तो बताया ना पूरी कहानी तो सुना दी, गीत तक सुना दिया, और क्या चाहिए। कीट परागित पादपों के पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं, मकरंद व गंध युक्त होते हैं ताकि कीट उनसे आकर्षित हो जाएं और आकर्षित होकर उन तक पहुंचे, मकरंद प्राप्त करें और फिर दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएं। तो इस प्रकार के पुष्प कीट परागित पादपों के होते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट है पक्षी परागण। पक्षी परागण, तो पक्षी परागण में क्या होता है स्टूडेंट्स, वही बात, बिल्कुल कीट, सेम कीट जैसा होता है, है ना, कीट जैसा होता है, बस एजेंट बदल रहा है, पक्षी हो रहा है, तो परिभाषा तो सेम रहेगी कि जब परागकणों का स्थानांतरण पक्षियों द्वारा होता है तो इसे पक्षी परागण कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, पक्षी परागित पुष्प नलिकाकार हो सकते हैं, तो नलिका में पुष्प घुस जाएगा, है ना, पक्षी, और वहां से जब वापस निकलेगा मकरंद लेकर के, ये भी मकरंद के लालच मिल जाएगा, वहां से जब वापस निकलेगा तो उसमें से परागकणों को लेकर आएगा, दूसरे पादप में ट्रांसफर कर देगा। तो पक्षी परागित पुष्प नलिकाकार हो सकते हैं, नलिकाकार किसमें होता है, तो तंबाकू में होता है, प्याले नुमा भी हो सकता है किसमें, कैलिस्टेमोन में होता है, कुंभाकार यानी घड़े नुमा भी हो सकता है किसमें, एपीएससी कुल के पादपों में होता है। तो थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रख लेना कि पक्षी परागित पुष्प नलिकाकार हो सकते हैं तंबाकू, प्याले नुमा हो सकते हैं कैलिस्टेमोन में, और घड़े कारण कुंभाकार भी हो सकता है, मटके जैसा भी हो सकता है एपीएससी कुल के पादपों में, इसको अच्छे से रख लेना। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं समझा रहा हूं, रट लेना केवल एक डायलॉग है, है ना, ऐसा ना अफवाह फैला दें कि साइंस क्लासेस पर तो सिर्फ रटवाया जाता है, ऐसी ना अफवाह फैला दें ना, क्योंकि अफवाहों का दौर बहुत रहता है, ठीक है, तो ऐसी अफवाह ना फैला दे भाई, मैं पूरी बातों को समझा रहा हूं, रटना केवल एक डायलॉग है। वैसे आपको याद हो गया होगा कि पक्षी परागित पुष्प नलिकाकार होता है, जो उदाहरण है तंबाकू, प्याले नुमा भी हो सकता है, उदाहरण है कैलिस्टेमोन, और कुंभाकार भी हो सकता है एपीएससी कुल के पादप। वैसे कुछ चीजों को रख लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, है क्या बुराई, बता दो कमेंट करके। आज तो जल्दी क्लास लगा दी, आप नींद भी नहीं आनी चाहिए आपको, बताइए है क्या कोई बुराई, नहीं है ना। चलो फिर इसी के साथ ये पुष्प चमकदार, आकर्षक व मकरंद युक्त होते हैं, वही बात कीट परागित में भी यही था। आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो पूरी कहानी जो कीट के लिए नहीं लिखी थी यहां लिख दिया, ताकि दोनों जगह काम हो जाएगा, कि जब पक्षी इनसे आकर्षित होते हैं, इन पुष्पों से इनके पास आते हैं, तो इन्हें मकरंद के रूप में पारितोषिक यानी लालच मिल जाता है। मकरंद प्राप्त करके जब ये कीट दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो इन पर परागकण चिपक जाते हैं, वो परागकणों का भी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से पक्षी परागण होता है। कुछ मुख्य पादप जिनमें पक्षी परागण पाया जाता है वो है सेमल, बिगोनिया, बिगनोनिया लिखा गया, बिगोनिया कर लेना, है ना, बिगोनिया कर ही लीजिए, कर ही लीजिए।
बिगोनिया, क्लियर है, पलाश और रक्तमदार। तो ध्यान रख लीजिए इसका, हालांकि इसमें एक पादप आ गया, ये पलाश बहुत इंपॉर्टेंट पादप है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, आप बाद में नोट्स बना लीजिएगा। इसको ढाक भी कहते हैं, पलाश या ढाक, ठीक है, पलाश या ढाक का पादप भी इसको कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ पर देसी नाम इसका खाकरा है। हमारे जो यहाँ पर जो दरा का जो ये जंगल है, इसके अंदर ज्यादातर पलाश के पादप ही देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर केसरिया रंग के पुष्प आते हैं स्टूडेंट्स, कौन से, केसरिया रंग के। और जिस समय इसमें पुष्प आता है वो पतझड़ का समय होता है, तो सारे पत्ते इसके खिर जाते हैं इस पादप के, केवल उस पर केसरिया रंग के पुष्प ही रह जाते हैं। तो जब दूर से आप कहीं दूर से 2-5 किलोमीटर दूर से, मान लीजिए आप रोड पर बस में जा रहे हैं और जंगल की तरफ देख रहे हैं, तो आपको जब ये पुष्प आप देखोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा, मान लीजिए जंगल में कोई आग लग गई है। क्या लग गई है? जंगल में कोई आग लग गई है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। इसीलिए जो पलाश या ढाक का पादप है, इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज आज की। आशा करता हूं कि जब से मैं आपकी ये क्लासे लगाने लगा हूं, रोज आपको टॉपिक से हटकर भी कोई एक नई बात जरूर यहां से सिखाकर भेजता हूं। क्या ये बात सच कह रहा हूं? क्या रोज कोई ना कोई नई बात आपको सीखने को मिलती है? क्या ये जो पादप है ना, पलाश या ढाक का पादप जिसे कहते हैं, इस पलाश या ढाक के पादप को क्या कहा जाता है? जंगल की आग भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नाम होता है ब्यूटिया, ब्यूटिया, ब्यूटी है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है इसका साइंटिफिक नाम? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो निश्चित तौर पर अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं स्टूडेंट, ये तो दो चार पार्ट की बात है, आगे तो हमें साल भर पढ़ना है, और आशा करते हैं कि तब तक ऑफलाइन क्लासेस की गाइडलाइन हमारे पास होगी और काफी कुछ और ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में। ऐसा थोड़ी है कि हम ऑफलाइन क्लासेस शुरू ही नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी स्टूडेंट्स, लेकिन समय लगेगा। और जब शुरू होगी तो ये तो आप वापस रिवाइज करोगे ही सही जितना ऑनलाइन पढ़ा है, इसके अलावा काफी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। लेकिन मैंने कहा था ना, सफलता की क्या कीमत है, सफलता का क्या सूत्र है, आज फिर दोहरा देता हूं, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है धैर्य, जो तो बहुत सारे बच्चे खो चुके हैं, तो फिर उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने दूसरा आपको बताया था कठोर परिश्रम, जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, और तीसरा आपको बताया था दृढ़ निश्चय, यानी कि आपको एक कठोर परिश्रम करते रहना है जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, तो सफलता निश्चय ही आपकी होगी। धैर्य प्लस कठोर परिश्रम प्लस दृढ़ निश्चय, इस पर बहुत सारे बच्चे विफल हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है बताइए आप। चलो, ये नई बात आपने सीखी कि पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नोट्स बना लीजिएगा, नहीं मिटा रहा हूं स्क्रीन पर जो लिखा है उसको सीधा नोट लिख लीजिए। कौन से पक्षी, ज्यादातर पक्षी परागण में भूमिका निभाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उदाहरण है गुंजन पक्षी, इसकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है गुंजन पक्षी की, शकरखोरा, नेक्टेरिना, ये सारे पक्षी प्रमुख परागणकर्ता पक्षी है, प्रमुख एजेंट पक्षी है, ध्यान दीजिएगा, गुंजन पक्षी, शकरखोरा और नेक्टेरिना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, चमगादड़ पर बात कर लेते हैं। पहली बात, चमगादड़ को पक्षियों के साथ क्यों नहीं रखा? तो प्यारे बच्चों, चमगादड़ पक्षी है ही नहीं, तो बताइए चमगादड़ को पक्षियों के साथ कैसे रख सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट, चमगादड़ स्तनधारी है, मैमल्स है, हमारी श्रेणी में आता है, मनुष्य भी स्तनधारी, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली के जैसा ही चमगादड़ भी स्तनधारी है। क्यों इसको स्तनधारी में रखा है? क्योंकि बच्चों, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, यानी ये अपने बच्चों को दुग्धपान करवाता है, चुग्गा नहीं खिलाता, दुग्धपान करवाता है, जैसे मनुष्य दुग्धपान करवाता है, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जैसे अपने बच्चों को दुग्धपान करवाते हैं, वैसे ही चमगादड़ के अंदर भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और यह भी अपने बच्चों को दुग्धपान करवाता है। स्टूडेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि पक्षी अंडे देते हैं, आप सब जानते हैं पक्षी अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ अंडे नहीं देता, चमगादड़ सीधा बच्चे देता है, यानी कि चमगादड़ क्या है? जरायुज है।
और ये सारे लक्षण स्तनधारियों के होते हैं, पक्षियों के नहीं होते हैं। तो चमगादड़ केवल उड़ सकता है लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ स्तनधारी की श्रेणी में आता है। क्लियर हो गई क्या बात? आज से ध्यान रख लीजिएगा, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। अब ध्यान दीजिएगा चमगादड़ की दूसरी विशेषता कि यह रात्रिचर है, रात्रि में उड़ता है। रात्रि में भोजन की तलाश में एक पादप से दूसरे पादप पर उड़ता है और उसी क्रम में पुष्पों को परागित कर देता है। पादप पे कीट होते हैं, पुष्प पे कीट होते हैं, उनको खाता है, दूसरे पादप पर जाता है, वहां से कीटों को खाता है। ठीक है, तो चमगादड़ रात में एक पादप से दूसरे पादप पर ट्रांसफर जाता है और पुष्पों को परागित कर देता है, परागकणों को एक पादप से दूसरे पादप पर पहुंचा देता है। सर क्या बात कर रहे हो, रात में कैसे पुष्प तो दिन में खिलते हैं। अरे भाई बताया तो है आपको कि कई पादपों में पुष्प रात्रि में भी खिलते हैं, कई पादपों में पुष्प रात्रि में भी खिलते हैं। तो जिन पादपों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं, चमगादड़ रात को ही निकलता है, तो इनके लिए चमगादड़ परागण का कार्य करेगा। ऐसे कौन से पादप हैं सर जिसमें पुष्प रात्रि में खिलते हैं? कदम है, कचनार है, गोरख इमली पड़ा नहीं था, इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज भी तो लिख सकते हो, रात में तो खिलते हैं वहां पर भी। चलिए फिर हटा देते हैं और बात कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर, इस पूरे टॉपिक पर नोट्स की। ये लीजिए नोट्स। चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनपायी उड़ने वाला जंतु है, जो पक्षी नहीं है, जंतु है, है ना, उड़ने वाला, जो मकरंद व कीट पतंगों की खोज में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर भ्रमण करता है। अतः जब परागकणों का स्थानांतरण चमगादड़ द्वारा होता है तो इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। चमगादड़ परागण, इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ पादपों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं तथा मकरंद का स्त्रावण करते हैं, इनमें चमगादड़ परागण होता है, क्योंकि उनमें चमगादड़ एकमात्र सोर्स है, बाकी सब रात्रि में सोता है, चमगादड़ जागता है। तो जिन पादपों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं उनके लिए तो चमगादड़ ही एजेंट का काम करेगा। उदाहरण कदम, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली, इस प्रकार के पादपों में चमगादड़ परागण पाया जाता है। ध्यान दीजिए नोट, सर्पवृक्ष व कुछ आर्किड्स में घोंगो द्वारा भी परागण होता है, घोंगो द्वारा भी परागण होता है। किसमें? उदाहरण याद रख लीजिएगा, सर्प वृक्ष व कुछ आर्किड्स में। इसी प्रकार का एक और नोट आप याद रखना, गुलमोहर सबने देखा होगा, इसमें भी लाल कलर के पुष्प आते हैं। अगर नहीं देखा हो तो ऐसा लंबा लंबा इसका बाह्य दल होता है, बच्चे उसका नाखून बना करके खेलते रहते हैं, वो जो पादप है वो गुलमोहर का है। ठीक है, तो गुलमोहर व सेमल में आपने देखा होगा गिलहरियां इधर से उधर दौड़ती रहती है, तो वहां पर परागण की घटना किसके द्वारा होती है स्टूडेंट्स? गिलहरी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? गिलहरी के द्वारा। तो काफी लंबी क्लास हो गई आज की, सोचा नहीं था इतनी लंबी होगी लेकिन हो गई। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, पर परागण की विधियां या प्रकार। आशा करता हूं कि पूरा टॉपिक आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसके नोट्स बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। विराम देते हैं आज की क्लास को यहीं, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।